हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों थंबनेल देख करके आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली बिल्कुल सत्य है कि एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कहीं भी घूमने का प्लान करते हैं, मान लीजिए चाहे वो गोवा हो, नैनीताल हो, शिमला हो या फिर दार्जिलिंग हो, कहीं पर भी अगर हमारे दिमाग में आता है कि लोग ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं, या फिर न्यू मैरिड हैं आप, या फिर हनीमून मनाने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो हमेशा माइंड में होता है कि हमें गोवा जाना है या फिर शिमला जाना है या फिर किसी भी हिल्स एरिया पर जाना है। तो सबसे पहला दिमाग में ये आता है टेंशन कि वहां पर जाने में क्या खर्चा लगता होगा। अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लग पाता कि एक्चुअली वहां पे खर्चा क्या होता होगा, तो हम प्लान नहीं कर पाते हैं। तो जैसे माइंड में आता है कि हो सकता है 2-4-5 हजार रुपए खर्चा लगता हो, या फिर 10-20 हजार लगता है, या फिर 25-50 हजार लगता है। एक्चुअली लगता क्या है, तो एक आइडिया की हमें जरूरत पड़ती है, तब हम प्लान करते हैं कि हमें वहां पर जा सकते हैं या फिर वहां पर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से जो है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी साइट के बारे में जो आप लोगों को बताएगा कि जहां पर भी आपको जाना है या फिर आपका विचार बन रहा है, मान लीजिए गोवा जाना है या फिर दार्जिलिंग बन जाना है या फिर शिमला जाना है, तो वहां का एक मिनिमम खर्चा कितना लगता होगा वो कंप्लीटली निकाल करके आपके सामने लाएगा। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पर क्या खरीदते हैं, कैसे रहते हैं, खर्च करने के लिए। तो कहीं पर भी जाते हैं तो आप 10-20 हजार से लेकर के और लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम एक औसत खर्च क्या होना चाहिए वो आपको यहां से पता लगेगा। तो इसे प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। तो उसके लिए जो है आप अपने इंटरनेट पे जाएंगे, किसी भी ब्राउज को ओपन कर लेंगे, और बिल्कुल सिंपल साइट है और उसका नाम है india.info.help। बिल्कुल सिंपल साइट है। जैसे आप इस पर ओपन करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा बिजी साइट रहता है, बहुत ही ज्यादा लोग विजिट करते रहते हैं इस पर। और जैसे ओपन होगा इसका इंटरफेस इस तरीके का दिखेगा, और यहां से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको जाना कहां है, टू में पहले आपको कहां जाना है। तो यहां पर जैसे आप ओपन करेंगे इसके डाउन स्क्रॉल पर, तो यहां पर नीचे जितने भी फेमस जगह है घूमने के लिए, जहां जहां पर लोग जाते रहते हैं घूमने के लिए, यानी कि अगर हनीमून के लिए प्लान कर रहे हैं आप, तो हनीमून के लिए कहां पर लोग प्लान करते रहते हैं, ये सारी जगहों का नाम जो है यहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं उदयपुर है, बैंकॉक वगैरह है, और ये अजमेर है, जयपुर है, इस तरीके की जितनी भी है, ये नैनीताल है, मसूरी है, तो इस तरीके की सारी चीजें यहां पर, शिमला आप देख सकते हैं, मुनार है, कोचिन है, तो ये सारी चीजें जो फेमस जगह है, गोवा वगैरह, ये सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है। तो इनमें से जहां आपका जाने का विचार बनता है वो चीज यहां पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो जगह आप जो है यहां से सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आज हम बात करते हैं नैनीताल के बारे में, तो अगर हमें जाना है नैनीताल तो हम यहां पर नैनीताल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म में कहां से आपको जाना है, तो एक्चुअली यहां पर जो आप सेलेक्ट करेंगे तो हर जगह का फॉर्म में जो है अलग अलग जगह मिलेगा आपको, क्योंकि हर जगह से जो है यहां पर जो है जहां आप रहते होंगे वहां से नहीं मिलेगा, तो आपके नियर अबाउट जगह आपको यहां पर मिल जाएगा कि आप कहां से जाना चाहते हैं नैनीताल। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं नीचे फॉर्म में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो चूंकि हमारे नियर अबाउट में वाराणसी आता है तो हम वाराणसी यहां से सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल आपको नैनीताल में लेकर के जा चुका है। और सबसे पहले यहां पर यही बता देता है कि बनारस से नैनीताल जाने में आपका जो है 720 किलोमीटर लगेगा, यानी कि 720 किलोमीटर वाराणसी से नैनीताल की दूरी है, और अगर देखा जाए वाराणसी से दिल्ली की तो वहां की दूरी भी लगभग इतना ही है, यानी कि वाराणसी से दिल्ली की दूरी भी लगभग 700-750 किलोमीटर के आसपास ही है। यानी कि अगर हम वाराणसी से दिल्ली जाते हैं तो भी हमें समय उतना ही लगना है, और अगर वाराणसी से नैनीताल जाते हैं तो भी हमें समय उतना ही लगना है। तो इस तरीके से यही एक तो डिस्टेंस आपको पता लग जाएगा, और नियर अबाउट यहां पर आपको खर्चा भी लगभग लगभग बताएगा यहां पर। तो हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, बाकी हम नीचे जब चले जाएंगे तो यहां पर ये टोटल करके आपको दिखाएगा, जैसे कि टोटल आपको, जैसे कि यहां पर एक कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सारी पेमेंट आपकी ऐड होती हुई चली जाएगी। सो यहां पर हम ये सब कैंसिल करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सब एड्स आते रहते हैं, और यहां पर जो है टोटल जो करेंगे वो यहां से आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो यहां पर सिंगल पर्सन जा रहे हैं या फिर कपल जा रहे हैं या फैमिली विथ फाइव मेंबर के साथ जा रहे हैं, यानी कि दो आप हस्बैंड वाइफ हो गए, अगर तीन बच्चे हैं तो टोटल अगर आप जो है पांच मेंबर जा रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। अगर सिर्फ न्यू मैरिड है कपल्स जा रहे हैं तो आप कपल्स पर क्लिक करें, या फिर अकेले ही रूम में जा रहे हैं तो आप जो है ये सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं। तो चूंकि हम कपल्स पे लेकर के चलते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ दो कपल्स जाएंगे तो उसके लिए क्या खर्चा आने वाला है, तो यहां पर नीचे आएंगे तो दो दिन के लिए जाएंगे या फिर एक दिन के लिए, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम टोटल अमाउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक दिन रुकेंगे, पहले एक दिन का अमाउंट देख लेते हैं और उसके बाद जब यहां से दो दिन करेंगे तो दो दिन का वो डबल कर देगा, जहां जहां पर भी डबल लगना होगा। तो चूंकि रेंट एक बार आप जा चुके हैं, यानी कि किराया भाड़ा वगैरह जो भी है एक बार जब आप जा चुके हैं तो एक ही बार लगेगा, यानी फेयर चार्जेस वो एक ही बार लगेगा, तो उसको डबल करेगा नहीं क्योंकि आप वहां पर जा चुके हैं। तो पहले जो है हम वहां पर पहुंच चलते हैं एक दिन के लिए और उसके बाद देखते हैं कि दो दिन करने के बाद कितना, ये इस तरीके का जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाया करेगा बीच के अंदर, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि एक दिन रुकते हैं या फिर दो दिन रुकते हैं। तो पहले हम एक दिन का खर्च निकाल करके देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आएगा ट्रेवल मोड, यानी कि आपको कैसे जाना है, कार से जाना है, बस से जाना है या फिर आपको ट्रेन से जाना है। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो पहले कार से अगर आप जाते हैं तो आपका खर्चा होगा 16 घंटे लगेंगे और 8000 रुपए में कार बुकिंग होगी अगर आप कार बुक करते हैं तो। उसके बाद है ये बस, अगर बस के माध्यम से जाते हैं तो यहां पर जो है नैनीताल के लिए कोई बस नहीं मिल रही है, अगर नैनीताल के लिए बस मिलेगी तो वहां से जो है आपको बता देगा। और उसके बाद जो है प्लेन, प्लेन से भी जो है वाराणसी से यहां पर जो है नहीं मिल रहा है। तो चूंकि वाराणसी से बहुत सारी सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएगी इसीलिए हम यहां से एक बार चेंज करते हैं और यहां पर वाराणसी के अलावा हम चलते हैं लखनऊ या फिर दिल्ली। तो पहले हम दिल्ली से चलते हैं, तो दिल्ली से हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं इसीलिए हम दिल्ली से देखते हैं, इसको सर्च कर लेने देते हैं। और दिल्ली से जो नैनीताल की दूरी है वो है मात्र 302 किलोमीटर। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से जा सकते हैं। तो चूंकि वाराणसी से सुविधाएं हमको कम मिल रही थी इसीलिए अब हम दिल्ली से देखते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझनी है, क्योंकि हम वीडियोस के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जा रहे हैं, तो हम टोटल चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम नीचे अगर आते हैं और बिल्कुल वही चीज है, यहां से हम कपल को सेलेक्ट करते हैं और यहां से हम चलते हैं ट्रेवल मोड पर। तो अब यहां पर आप देख पाएंगे अगर हम बाई कार जाते हैं तो 3000 रुपए लगेगा और 6 घंटे का सफर होगा, और बाई बस जाते हैं तो अब यहां पर देख सकते हैं आप बस की सुविधा दिल्ली से आपको मिल जा रही है। तो अब यहां पर आपको जो है सिलेक्ट करना होगा, तो अगर एसी सीटर कॉस्ट अगर आपको लेना है तो वो पड़ेगा 600 रुपए का, और एसी स्लीपर कॉस्ट में अगर आपको जाना है तो लगेगा 1100 रुपए, और वॉल्वो अगर कोच लेना है तो आपको पड़ेगा 1500 रुपए। तो इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस में जाना है। तो अगर आप जो है एसी सीटर कॉस्ट अगर आप लेते हैं, अगर आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो 600 रुपए यहां पर ऐड हो गया, जो आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटर में ऐड होता चला गया। तो इसी अकॉर्डिंग जो है अगर हम बस को नहीं लेते हैं, आगे अगर एयरलाइंस के माध्यम से जाते हैं तो अगर एडवांस बुकिंग कॉस्ट पे अगर हम जाते हैं, यानी कि अगर कुछ दिन पहले अगर आप बुक कराते हैं तो वो आएगा 1 घंटा लगेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 घंटा लगेगा, और यहां बस से अगर आप करते हैं तो आपको यहां पर 6 घंटे लग रहा है, और अगर बाई प्लेन जाते हैं तो आपको 1 घंटा लगेगा। तो अगर एडवांस बुकिंग करा करके रखते हैं, पहले से अगर बुक कराते हैं तो आपको 6400 रुपए लगेगा, यानी कि बाई प्लेन, और अगर करंट बुकिंग करते हैं तो वही खर्च बढ़ करके 10000 रुपए तक का आपको लग सकता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना मोड सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर ट्रेन से जाना है आपको, फिर यहां पर एडवर्टाइजमेंट आ गई यहां पर, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। तो यहां पर अगर ट्रेन से जाना है, स्लीपर कोच एक नॉर्मल से जाना है तो 8 घंटे लगेगा, और उसका प्राइस 380 रुपए है, यानी कि टिकट जो है नॉर्मल स्लीपर का 380 रुपए है। और थर्ड एसी कॉस्ट अगर देखते हैं तो 900 रुपए लगेगा, और सेकंड एसी कॉस्ट जो है वो लगेगा 1390 रुपए, और फर्स्ट क्लास एसी में लगेगा आपको 2200 रुपए। तो इनमें से ट्रेन से जाना ज्यादा सुविधाजनक होगा, या फिर अगर बस से जाना चाहते हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बस से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं,
या फिर ट्रेन से जाते हैं। तो यहां पर हम कॉस्ट रखते हैं ट्रेन का। तो एक नॉर्मल फैमिली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल व्यक्ति जाना चाहते हैं, एक नॉर्मल कपल्स जाना चाहते हैं, तो हम एक नॉर्मल कॉस्ट को लेकर के हम चलेंगे, यानी कि कम से कम खर्च को लेकर के चलते हैं कि कितना लगेगा। तो अगर हम यहां पर स्लीपर लेकर के चलते हैं, स्लीपर की कॉस्ट लेकर के चलते हैं, तो 380 रुपए का टिकट लगेगा। उसके बाद जो है, यानी कि हम टिकट ले चुके हैं एक तरफ का, और उसके बाद हम चलते हैं फूड में। फूड यानी कि खाने पीने का खर्च क्या लगेगा। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर अगर बेस कॉस्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो एक दिन का खर्चा आपका आ जाएगा 1000 रुपए। तो इसको हम जोड़ लेंगे, एक दिन का खर्चा जो आएगा हमारा 1000 रुपए, वो आप यहां पर देख सकते हैं, वो इसके अंदर एड हो गया। और वही चीज अगर नॉनवेज वगैरह का कॉस्ट अगर जोड़ते हैं तो वो आएगा 1600 रुपए। तो हम यहां पर वेज जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं एक नॉर्मल कपल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक नॉर्मल फैमिली का अगर व्यक्ति है वो अगर जाना चाहता है नैनीताल हनीमून मनाने के लिए, तो उसका खर्च कितना आएगा। तो कोई भी जा सकता है, अभी आप देखेंगे बहुत ही कम खर्च है, हर व्यक्ति जा सकता है। लेकिन एक ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न युग में जो है काफी ये एक भ्रांति फैली हुई है कि हनीमून जाने के लिए, जैसे नैनीताल गोवा वगैरह जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल फैमिली का व्यक्ति भी जा सकता है, एक नॉर्मल फैमिली का कपल्स भी जा सकता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया फूड, यानी कि ट्रेवल एंड फूड हो गया। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं होटल्स पर। अगर होटल्स पर जाएंगे तो यहां पर अगर होटल प्राइसिंग सीजन, अगर सीजन्स में जाते हैं, यानी कि नैनीताल मैक्सिमम लोग जो है गर्मी में जाते हैं, तो गर्मी में सीजन होता है, बहुत ही पीक आवर होता है, तो उस वक्त होटल्स वगैरह थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो अगर पीक आवर में जाते हैं तो ये होटल का जो है प्राइस, यानी कि बजट होटल अगर लेते हैं तो वो पड़ेगा आपको 2000 रुपए एक नाइट के लिए, और इकोनॉमिक्स में अगर लेते हैं तो वो पड़ेगा 4000 रुपए, और लग्जरी होटल अगर बुक करते हैं तो वो पड़ेगा आपको 6000 रुपए। और वही चीज अगर ऑफ सीजन में जाते हैं इस तरीके से, तो ऑफ सीजन में बजट होटल जो पड़ेगा आपको मात्र 1000 रुपए में पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि बजट होटल अगर या ऑनलाइन अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको यही चार्ज पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप ऐसी जगह जाते हैं तो आप ऑनलाइन ही होटल बुक करें, ऑनलाइन जो है आपको कोई भी बार्गेनिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस आपको देना होता है। लेकिन अगर आप वहां पर जाकर के बुक करेंगे तो उसी चीज का आपको प्राइस बहुत ही ज्यादा देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से यानी कि 1000 रुपए में आपको एक नॉर्मल होटल मिल सकता है। अगर इकोनॉमी में लेना है तो आपको 2000 रुपए, और लग्जरी में लेना है तो आपको 4000 रुपए देने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप होटल बुक कर सकते हैं। तो यहां पर हम ऑफ सीजन की बात करते हैं, तो ऑफ सीजन के अंदर अगर हम बजट होटल की बात करें तो 1000 हम ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट, यानी कि लोकल वहां पर घूमने वूमने का खर्चा क्या आएगा हम उस पर बात कर लेते हैं। तो लोकल में अगर हम टैक्सी से अगर हम जाते हैं तो उसका खर्चा आएगा मात्र 1000 रुपए, यानी कि हम टैक्सी लेकर के जाएंगे, जो सिर्फ हम दोनों कपल्स ही जाएंगे, और अगर वहीं पर टेम्पो वगैरह से यानी कि ऑटो वगैरह से जाना है तो उसका खर्च यहां पर नहीं दिखा रहा है, कहीं ना कहीं दिखा देगा। तो यहां पर एक्चुअली नैनीताल में ऑटो वगैरह नहीं चलते होंगे, इसीलिए यानी कि टैक्सी वगैरह नॉर्मल नहीं चलते होंगे, इसीलिए वहां पर उसका प्राइस नहीं दिया है। तो वहां पर आपको टैक्सी से ही जाना होगा, तो उसका 1000 रुपए खर्चा आपको लगेगा। उसके बाद यहां पर लोकल एडवेंचर, यानी कि आपको जो है राय सलाह मशवरा लेना है, यानी कि कोई भी गाइड्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो आपको 2000 रुपए का मिलेगा यहां पर। तो हम गाइड्स ले लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगी घूमने के लिए, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, यानी कि 2000 रुपए का हमने गाइड्स ले लिया। तो यहां पर 5380 रुपए का ये पड़ा। उसके बाद जो है नैनीताल के अंदर ये सारी चीजें घूमने की जगह होती हैं, तो नैनीताल में घूमने का थोड़ा सा खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा जहां भी आप रुके हुए हैं वहां से। तो ये सारी जगह जो है जिस पर भी आप कर्सर को लेकर के जाएंगे तो वहां पर बता देगा कि वहां पर पहुंचने का आपका खर्चा कितना आएगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ये हाई अल्टीट्यूड जू है, ये भी घूमने की जगह है वहां पर, तो आप यहां पर जाते हैं तो इसका प्राइस लगेगा 60 रुपए, तो हम इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है राइट केबल कार, ये अगर इस पर भी आप चढ़ना चाहते हैं तो इसका खर्च लगेगा 300 रुपए, तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये केलबेरी है, बहुत अच्छी जगह है नैनीताल के अंदर, इस पर भी अगर जाना है तो चूंकि यहां पर 800 रुपए का खर्च है इसको हम छोड़ते हैं। और सबसे ज्यादा लोग यहां जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहां नहीं गए तो नैनीताल को नहीं देखा, तो इस पर अगर जाना है यहां पर अगर आपको 320 रुपए का खर्चा आएगा। बोट राइड इन नैनी लेक, तो आपको यहां जाना जरूरी है क्योंकि नैनीताल जाने का मतलब कि यहां नहीं घूमे तो कुछ नहीं देखा, तो आपको इसे भी सेलेक्ट करना होगा। हम इसे भी क्लिक करते हैं
और उसके बाद जो है और सारी जगह है जो यहां पर 1000 रुपए लगेगा, रोड अराउंड माल रोड हो गया, इस तरीके से जगह जगह बहुत सारी चीजें घूमने की जगह है और राजभवन है, लोग राजभवन को भी देखते हैं, हम इस पर भी क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कितनी जगह आपको देखना है वो आप सिलेक्ट कर करके जो है आप यहां से उसका आइडिया ले सकते हैं। तो नैनीताल में ये इतनी चीज देखा आपने एक दिन के अंदर, ये बहुत ज्यादा हो गया। एक दिन के अंदर जो है अगर इतनी चीजें देखते हैं तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। तो चूंकि हमने एक दिन के लिए ही लिया हुआ है तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर दिल्ली से आप जाते हैं तो आपका जो खर्च आ रहा है मात्र 6,160 रुपए ही आ रहा है। तो एक नॉर्मल फैमिली बिल्कुल जाकर के आ सकता है। और उसके बाद अगर आपको दो दिन रुकना है तो आप इसको जो है दो दिन करेंगे तो जस्ट ये 8,160 रुपए बैठ रहा है, यानी कि दो दिन के लिए आपका खर्चा ज्यादा नहीं बैठा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि दो दिन रुकेंगे तो खर्चा डबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो यानी कि अगर आपको दो दिन रुकना है तो 8,160 रुपए में आप बिल्कुल कपल्स यानी कि हस्बैंड वाइफ न्यू मैरिज हुई है तो आप जो है बिल्कुल 8,100 रुपए यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है अगर नॉर्मल खर्चे में जाते हैं तो 10,000 रुपए में आप नैनीताल में हनीमून बना करके आप आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल खर्चा है। और उसके बाद जो इसी के अंदर मैंने बताया और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है, यानी कि आप एसी से जाना है, लग्जरी होटल्स में रहना है तो वो खर्चा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जो खर्चा आया बिल्कुल ये नॉर्मल फैमिली से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए है ये। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बजट में है और यहां पर अगर इकोनॉमी में जाते हैं तो 10,260 रुपए, यानी कि जो भी आपने लिया वहां पर अगर यहां से प्लान चेंज भी कर सकते हैं। बजट में 8,160 रुपए, इकोनॉमी में जाते हैं यानी कि होटल्स वगैरह इकोनॉमी में जाते हैं तो आपको 10,260 रुपए और लग्जरी में जाते हैं तो 15,160 रुपए। तो इस तरीके से जो है आपका खर्चा निकल करके आ जाएगा। और यहां से अगर और भी कहीं का देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहां से जगह सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कहां कहां जाने का क्या क्या खर्चा लगेगा, उस हिसाब से आप जो है एडवांस जो है प्लान कर सकते हैं और कहीं भी जाकर के आप जो है घूम करके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कहीं भी घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल वहां के बजट के बारे में जो है आप जान पाएंगे और कहीं भी आप बिल्कुल इजिली जो है प्लान कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों बार बार इस चैनल पर आकर के वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।